हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अंजलि। एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो सारा कलेक्शन है वो होने वाला है अमेजॉन साड़ी कलेक्शन का हॉल। एंड काफी सोच समझ से काफी सारे कलेक्शन मैंने कलेक्ट किया, बिकॉज इस समय वेडिंग सीजन है एंड विंटर का सीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ना काफी सारी चीजें जो है कलेक्ट की है। काफी चुन चुन के सारी साड़ियां मैंने जो है ना वो सिलेक्ट की, ताकि आप लोग के लिए यूजफुल वीडियो हो पाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। जब तक वीडियो शुरू हुई तब तक आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स है फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो यस, अब बढ़ते हैं अपने कलेक्शन की ओर। तो यस, आज की मेरी पहली साड़ी है ये वेलवेट की साड़ी, बिकॉज विंटर का सीजन हो और उसमें से कुछ वेलवेट का ना दिखाया जाए, जो तो विंटर के साथ ना इंसाफी वाला काम हो जाएगा। तो बस यही सोच के हमने जो है ना ये वाली साड़ी जो है बाय कर लिया। एंड आपको दिखाते हैं कैसी आई है। कलर इसका मरून है एंड ये कुछ इस तरीके से साड़ी है। एंड यहाँ पे इस तरह से आपको पूरी की पूरी साड़ी में लेस मिल जाएगी। ये वेलवेट का फैब्रिक है एंड वेलवेट का फैब्रिक थोड़ा सा मोटा होता है, इसमें आपको बिल्कुल भी ठंड लगने वाली नहीं है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। फुल लुक में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड कलर वगैरह सब बहुत प्यारा है, एब्सोल्युटली लव इट। एंड विंटर की शादियों के सीजन में ना वैसे ये वाले कलर अच्छे ही लगते हैं। पूरी की पूरी साड़ी आपको सेम मिल जाएगी। एंड लास्ट बात कर लेते हैं इसके ब्लाउज की। ब्लाउज का कलर भी मरून है, बट इसका फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट है। वो इसका फैब्रिक जो है, जो नॉर्मल बेसिक जो ब्लाउज का फैब्रिक होता है वो फैब्रिक है, तो मुझे ब्लाउज का फैब्रिक उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि इसके साथ आप कोई वेलवेट का ही ब्लाउज वियर करें, तो जिससे काफी अच्छा लुक आएगा। क्योंकि इसके ब्लाउज का फैब्रिक मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो ये है फ्रंट का पार्ट जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड इसका वर्क है जरी की वर्क, जो कि डिटेलिंग भी मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। अकॉर्डिंग टू साड़ी की डिटेलिंग लेस वगैरह बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। साइज में आपको ना थोड़ा सा फैब्रिक मिल रहा है प्लेन, एंड बैक के लिए आपको प्लेन फैब्रिक है, स्लीव्स के लिए भी प्लेन फैब्रिक मिल रहा है। इसके फ्रंट में आपको इस तरह से वर्क मिलेगा। तो मैं डेफिनेटली आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही है तो प्लीज आप इससे अपना ब्लाउज स्टिच ना करवाए। इसके साथ कोई हैवी गोल्डन ब्लाउज या फिर वेलवेट का ब्लाउज आप वियर कर पाओगे इजिली, तो उससे लुक आपका बहुत गॉर्जियस निकलेगा। क्योंकि साड़ी का आधा काम, साड़ी कितनी भी खूबसूरत हो अगर उसका ब्लाउज अच्छा नहीं है ना, तो साड़ी आपकी खराब हो जाती है। आप कितने भी बजट की साड़ी क्यों ना ले, अगर ब्लाउज आपका अच्छा स्टिच नहीं है या अच्छा दिखने में नहीं है, तो फिर आपकी लुकिंग अच्छी नहीं आने वाली है। तो आई रिकमेंड कि इसकी साड़ी बहुत अच्छी है, बट इसका ब्लाउज का फैब्रिक उतना अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे आप अपना ब्लाउज स्टिच करवाएं। बाकी आपकी चॉइस है आपको क्या करना है, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अलग से कोई इसके साथ गोल्डन कलर का या फिर मैरून कलर का वेलवेट का ब्लाउज आप वेयर करें, या फिर वेलवेट का कोई अदर कंट्रास्ट ब्लाउज भी आप इसके साथ वेयर करोगे ना, तो वो भी बहुत अच्छा लुक देगा। क्योंकि वेलवेट के साथ वेलवेट का कोई भी कलर का ब्लाउज आप इसके साथ डालोगे ना, जो इसके साथ कंट्रास्ट में अच्छे से मैच हो जाए, तो वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड अच्छा लगेगा। तो यस, बाकी फाइनल लुक में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसा लग रहा है। यार, दिस इज फाइनल लुक एंड सच में पहनने के बाद यार बहुत प्यारी लग रही है। स्पेशली इसका बॉर्डर काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। वेलवेट का फैब्रिक बहुत अच्छा है एंड डेफिनेटली कंफर्टेबल है। आप फुल डे इसको कैरी कर पाओगे एंड इजिली आप इसकी प्लेटिंग वगैरह बना पाओगे। पहनने के बाद ये बहुत प्यारी लग रही है। एंड या मस्ट बाय है अगर आपको कुछ वेलवेट में किस, अगर आप वेलवेट की कोई साड़ी ढूंढ रहे हो ना, तो फिर आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। अच्छी लग रही है या फैब्रिक वगैरह भी बहुत अच्छा है एंड इसका कलर भी स्पेशली बहुत प्यारा लग रहा है। एंड ये लाइक्रा का फैब्रिक नहीं, ओरिजिनल वेलवेट का फैब्रिक है। बहुत प्यारी लग रही है सच में। रियल में अगर आपको नीड है तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। इसमें एक ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जब आप प्लेटिंग एक साथ बनाते हो तो ना यहाँ पे थोड़ा सा काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा नीचे से प्लेटिंग करोगे ना, तो फिर वो नहीं समझ में आता है। बाकी ओवरऑल पहनने में बहुत प्यारी लग रही है सच में। अगर आपको नहीं तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, 10/10 है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी, जो कि कुछ इस तरीके से है, सेफ्टी में साड़ी है एंड कुछ ऐसी साड़ी में काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ। देखते हैं कि ये उसमें कितनी सक्सेसफुल है, क्या जैसे मैं कहती थी वैसे मुझे मिल पाई है या नहीं। तो यस, ओ माई गॉड, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारी सी ना ये साड़ी मेरे पास रिसीव हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पल्लू दिखाएंगे। पल्लू आपको मिलेगा गोल्डन कलर में और बहुत ज्यादा रिच वाला लुक देता है गोल्डन कलर, स्पेशली फॉर साड़ीज। एंडलेस आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। गोटा पट्टी की डिटेलिंग है एंड साथ में ऊपर इस तरह से कुछ रेड कलर की डिटेलिंग है पूरी की पूरी साड़ी में। एंड इसमें ना बेस्ट पार्ट ये है कि पूरी की पूरी साड़ी बाकी ऑफ व्हाइट है एंड इस तरह से सिल्क का मटेरियल है और उसमें इस तरह से प्रिंट बनाए गए हैं। ये इसमें जो प्रिंट है नाचते हुए लेडीजों का जो प्रिंट बना है, बहुत प्यारा लग रहा है ना, बहुत ट्रेडिशनल वाला लुक एक तो लग रहा है, बहुत ज्यादा रिच लग रहा है, क्लासी लग रहा है। पूरा पल्लू के साइड का मटेरियल है एंड उसके बाद
पल्लू का साइड खत्म होते ही फिर ऊपर से आपको ये प्लेन मिलेगा नीचे साइड, लेकिन आपको सेम वैसा ही मिलता जाएगा, पूरी की पूरी साड़ी आपको सेम वैसे ही मिलने वाली है। एंड इस साड़ी को देख के ऐसा लगता है ना कि किसी भी एज या पर्सनालिटी के साथ ना बहुत अच्छे से जाने वाली है। यस, तो पूरी की पूरी साड़ी आपको मिलेगी ऐसे। लास्ट में बात करते हैं ब्लाउज के लिए मटेरियल, तो रेड कलर का चेक वाइज में ब्लाउज जो कि सिल्क कलर के, एंड ऐसे ब्लाउज बहुत प्यारे लगते हैं। एंड साथ में यहाँ पर आपको लेस भी दी जा रही है जो कि आप अपने स्लीव्स में, नेक में, बैक में जैसे चाहे वैसे ना आप इसको स्टाइल करवा सकते हैं इजिली। बहुत प्यारा साड़ी, बहुत प्यारी लगने वाली साड़ी। मैं डेफिनेटली इसको रेड या मैरून देखते हैं किस साड़ी के साथ वेयर करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। साड़ी 10/10 है, फैब्रिक इसका सिल्क का है, बहुत प्यारा है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी एंड बहुत प्यारी लगने वाली है, एब्सोल्युटली लव इट। बाकी फाइनल लुक में आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यार दिस इज फाइनल लुक, पहनने के बाद इसकी लुकिंग आई कुछ इस तरीके से। अगर मैं रियल में बताऊ ना, साड़ी बहुत प्यारी है, बॉर्डर बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे जो रेड वाली लेस लगी ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रही पहनने के बाद। और मुझे लगता है ये रेड लेस हट जाएगी उसके बाद ये और भी ज्यादा प्यारा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। काफी प्यारी लग रही, सटल सी है एंड इजली आप इसकी प्रिंटिंग वगैरह बना पाओगे, कंफर्टेबल है एंड लाइट वेट है, फुल डे कैरी कर पाओगे। बस मुझे ना थोड़ा सा बस यही वाली प्रॉब्लम लग रही, मुझे लेस ना पसंद नहीं आ रही। बाकी 10/10 है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो, 10/10 है। फेयर मूवी कॉटन का नेक्स्ट साड़ी जो कि कुछ इस तरीके से है एंड इसमें लिखा है सदा सौभाग्यवती भाव। काफी टाइम से ये वाली चीजें जो है ट्रेंडिंग में चल रही है सदा सौभाग्यवती भाव, बिकॉज ये वाली अलग थोड़ी मुझे इसलिए लगी क्योंकि ये बांधनी प्रिंट साड़ी के साथ इसमें ये वाली लेस लगी थी, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा क्योंकि ऐसी मैंने नहीं देखी। मैंने प्लेन साड़ी पे तो देखी थी बट बांधनी प्रिंट के साथ सिल्क साड़ी के साथ ऐसी लेस मैंने नहीं देखी थी। तो जैसे ही मुझे ये ना मीशो पे जैसे ही मुझे अमेजोन पे दिखी मैंने इसको फटाफट से बाय किया, बिकॉज ये वेडिंग सीजन में तो काम आने वाली है, या फिर न्यू ब्राइड अपने कलेक्शन में रख रही है, इनकी शादी अभी न्यू हुई है, वो लोग अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं ना तो मस्ट बाय है। बहुत अच्छा कलर है, रेड कलर है इसका। चलिए आपको पल्लू की साइड से दिखाते, इस तरह से आपको मिलेगा इसका पल्लू एंड ये इसकी लेस जिसमें इजली इस तरह से लिखा हुआ है एंड इसकी डिटेलिंग बहुत प्यारी है, बिल्कुल भी चीप वर्क नहीं है, बहुत अच्छा वर्क है, सबको पसंद आने वाली है। एंड दोबारा सेम वही बात रिपीट करूंगी कि आपको रिग्रेट तो फील नहीं होगा इसको लेने के बाद कि ये मैंने क्यों लिया, बिकॉज ये बहुत प्यारी है। या फिर पूरी की पूरी साड़ी आपको इस तरह से प्रिंट में, इस तरह की फैब्रिक मिलेगी, सिल्क का फैब्रिक है जिसमें थ्रेड से इस तरह वर्क किया हुआ है पूरे साड़ी पे। एंड ये साड़ी है सिल्क की, पूरे में बांधनी प्रिंट है, पूरी हैवी साड़ी आएगी। ऑफ व्हाइट के लिए फैब्रिक दिया जा रहा है जिसमें आपको मिलेगा स्लीव्स के लिए मटेरियल कुछ इस तरीके से। स्लीव्स में आपको बहुत ही प्यारा सा वर्क दिया है, रेड एंड व्हाइट गोल्डन के साथ इस तरह से वर्क है। एंड ये है आपके बैक की डिटेलिंग, बैक आपका भरा हुआ आएगा। एंड ये है फ्रंट की डिटेलिंग, फ्रंट की भी एक स्लीव्स यहाँ पर है एंड ये है फ्रंट नेक। तो फ्रंट एंड नेक आपका, फ्रंट एंड बैक का जो नेक है वो आपको पूरा भरा हुआ आएगा। स्लीव्स में भी आपको जो है ना वो वर्क मिल रहा है। यार दिस इज फाइनल लुक एंड पहनने के बाद ना सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, बट एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है ये कि पहनने में ना एक तो चुभ बहुत ज्यादा रही हर जगह से, एंड सेकंड की फैब्रिक बहुत ज्यादा इसका उड़ रहा है, मतलब इतना कड़क फैब्रिक है कि प्लेटिंग उतनी अच्छे से नहीं बन रही। मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लेटिंग उतनी अच्छी से इसकी नहीं बन रही है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रही। अगर आप इसको इस तरह से एडजस्टमेंट करके इसको पहन सकते हो तो फिर डेफिनेटली आप जा सकते हो। बाकी साड़ी बहुत प्यारी है, अच्छी लग रही, बट मुझे थोड़ा सा इसमें कंफर्ट लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम लग रहा है। इसके साथ आप कंफर्ट तो नहीं रहेंगे, फुल डे तो कैरी नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत देर के लिए आप भले आप इसको इजिली वियर कर पाए। साड़ी कितनी भी साड़ी बहुत प्यारी है बट ये कंफर्ट लेवल इसमें नहीं है, तो ओके। तो यार बाकी फाइनल लुक में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसा लग रहा है इसका लुक। तो यस, मूविंग ऑन टू द लास्ट साड़ी जो कि है वाइन कलर में, एंड ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी इमेज में अकॉर्डिंग टू वेडिंग सीजन। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसी आई है। सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्लाउज के मटेरियल से, तो ये है इसके फ्रंट का नेक, फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से डिटेलिंग मिलेगी, यहाँ पे
डिटेलिंग है, जरी वर्क एंड सीक्वेंस की डिटेलिंग है। फैब्रिक आप देख सकते हो साइनी मटेरियल का फैब्रिक है, साइन कर रहा है इजिली, आप ये देख पा देख इजिली आप इसको देख पा रहे हो। एंड फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, आप इससे अपना ब्लाउज मतलब स्टिच करवा पाओगे। साइड में आपको थोड़ा सा इस तरह से वर्क मिल रहा है, एंड ये वर्क जो है ना वो बैक के लिए, बिकॉज ये एक ही जगह है इसलिए सिर्फ आप इसको बैक पे यूज कर पाओगे। स्लीव्स के लिए आपको फैब्रिक जो है प्लेन मिल रहा है, सेम फैब्रिक आप इससे ब्लाउज स्टिच कराएंगे तो काफी अच्छा बन के निकलेगा। एंड ये है इसकी साड़ी, एंड यस परफेक्ट वेडिंग सीजन स्पेशल, मतलब बहुत ही परफेक्ट साड़ी है एनी फंक्शन या पूरे पे आपको इस तरह से डिटेलिंग मिलेगी पूरे की पूरी साड़ी पे। एंड इस तरह से पूरे पे ना इस तरह से पल्स की डिटेलिंग की गई है। ये पल्स जो है ना यहाँ पे चिपकाए नहीं गए हैं, टक किए गए हैं जो कि निकलेगी बिल्कुल भी नहीं। ये आपको पल्लू का साइड मिल रहा है, पल्लू भी पूरे पे ऐसे लगा हुआ है। इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट में जो साइनी वाला जॉर्जेट आता है वो वाला इसका फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, साइनी मटेरियल है। फिर पूरी की पूरी साड़ी आपको ऐसे मिलेगी, नीचे की साइड पूरे की साड़ी में आपको वर्क मिलेगा, एंड नीचे ही नीचे आपको इस तरह से पल्स की डिटेलिंग भी मिलने वाली है हाफ एंड हाफ। एंड या स्टार्टिंग लेग से लेके एंडिंग तक सेम ऐसी है। फुल लुक में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इसका फाइनल लुक कैसा आ रहा है। सो यस दिस इज फाइनल लुक, और पहनने के बाद ये साड़ी लिटरली इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है ना, किसी भी फंक्शन में चाहे रिसेप्शन का हो चाहे वेडिंग का फंक्शन हो आप इजिली पहन के जा सकते हो, इतनी ज्यादा प्यारी लग रही पहनने के बाद। आप देख सकते हो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाउ, वेरी कंफर्टेबल लाइट वेट एंड फुल हैवी वाला लुक भी आपको इससे मिल रहा है। इसके साथ मैंने पेयर किया है ये ब्यूटीफुल सा चोकर, एंड इसका लिंक मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लेना क्योंकि आप लोग बाद में मांगते हो। ये मैंने शायद मिंत्रा या अमेजोन किसी में से एक से लिया था, याद नहीं जहां से भी था, मैं डिटेल आपको जो है ना पूरी दे दूंगी। एंड फिटनेस रही ब्लाउज की बात, तो ब्लाउज की डिटेल वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, बहुत प्यारा सा ब्लाउज है। फिलहाल अभी मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ, तो आप लोग साड़ी देख लो, बहुत बहुत ज्यादा प्यारी है। एंड लिटरली अगर आपको नीड है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट है, मीडियम टू मीडियम प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी साड़ी है। पहनने के बाद ना लिटरली बहुत कंफर्टेबल है, बहुत प्यारी लग रही है बिल्कुल। इसकी इजिली आप ना इसकी प्लेटें बना पाओगे बहुत इजिली, हार्डली इसको मुझे पहनने में एक या दो मिनट लगे मुझे इसे पहनने में, बहुत इजिली इसकी प्लेट वगैरह बन गई थी मैंने पहनी, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आपको नीड है तो आप जा सकते हो, 10 of 10 है। तो यार इस हमारे टुडेज वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।